अभी धूप निकल आई है, जब मैं आया था तब मुझे ठंड लग रही थी। मेरा पहला वर्कआउट एक्सपीरियंस यहाँ का, सबसे पहले तो जिम का स्पेस। मैंने इंडिया में बड़े से बड़े जिम में वर्कआउट किया है, हर शहर में किया है, वैसे 10 जिम को मिला दें तो उतना था। मैं कहीं भी घुस रहा हूँ, एक और जिम, जैसे जिम के अंदर जिम बने हुए हैं। सब जिम्स इतने बड़े नहीं हैं, पर ये कुछ स्पेशल था, पर बाकी भी काफी बड़े हैं। लोग इतने कम, दूर दूर नजर आ रहे हैं, एक बंदा वहां कर रहा है, एक बंदा वहां कर रहा है। आपको मशीन के लिए वेट करना पड़े ये तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है। अगर मैं स्ट्रेंथ की बात करता हूँ, मुझे लगा था कि यहाँ पे काफी स्ट्रांग लोग होंगे क्योंकि साइज बड़ा है, थोड़े से हैवी हैं, लेकिन वो स्ट्रेंथ में उतना डिफरेंस नहीं था। इतनी डेडलिफ्ट जैसे इंडिया में जाती हैं वैसी ही शायद यहाँ जाएंगी, 250 किलो, कोई ज्यादा ही जाइंट होगा शायद 300 किलो। मेजर जो मुझे डिफरेंस नजर आया वो नजर आया फिटनेस में, नेक्स्ट लेवल फिटनेस है। जो लोग यहाँ जिम नहीं जाते वो भी बहुत फिट नजर आते हैं, आई थिंक क्योंकि वॉक काफी हो जाता है यहाँ पर, मोटरसाइकिल्स वगैरह कम दिखती हैं। मैं स्पेसिफिकली स्ट्रेंथ पे बहुत कम फोकस करता हूँ, कार्डियो ज्यादा रहता है, एक्सप्लोसिव वर्कआउट ज्यादा रहते हैं, वैसे टाइप की फिटनेस मुझे खूब नजर आ रही थी यहाँ पर। एक एक घंटे तक लोग रनिंग किए जा रहे हैं, प्रॉपर रनिंग। इंडिया में मुझे बहुत कम लोग दिखते हैं जो इस तरह से रनिंग करते हैं, सिर्फ ट्रेडमिल्स पर गए, थोड़ी देर वॉक किया, एक आध स्प्रिंट मार ली, बस हो गया। यहाँ पर तो बुड्ढे भाग रहे थे भाई, एक एक घंटे तक भागे ही जा रहे थे। वो थोड़ा कम पेस पे रन कर रहे थे, जवान थोड़ा फास्ट पेस पे रन कर रहे थे। जब इंडिया में होता हूँ तो मुझे आज तक फिजिकली ऐसा बंदा नहीं दिखा है जो बहुत अच्छा कार्डियो करता हो, मुझे अपने लेवल के भी नहीं नजर आते हैं जो इंटेंस वर्कआउट्स करता हो। ऑनलाइन मैंने देखे हैं कुछ लोग जो क्रॉसफिट करते हैं या फिर प्रोफेशनल एथलीट्स हैं, उनका बहुत स्ट्रांग होता है, पर यूजुअली मुझे अपने लेवल की फिटनेस बहुत कम नज़र आती है, स्ट्रेंथ बहुत फोकस में रहता है। यहाँ पर यार फिट थे लोग एकदम, मतलब ऐसा नहीं है कि बल्की हैं या फिर सिर्फ मस्कुलर हैं, एक अच्छा एस्थेटिक लुक होता है वो मेंटेन किया हुआ है। रनिंग टेक्निक को देख के पता लग रहा है कि वो ट्रेंड हैं अच्छे से, बहुत अच्छे से फोकस करते हैं। 5-5 किलो की प्लेट भी उठा रहे थे लोग और वो नेक्स्ट लेवल फिट थे। एपिक एक्सपीरियंस तो वही रहा। ओपन शावर्स थे यहाँ पर, मुझे लगा कि हाँ ठीक है यार, कुछ अंडरवेयर पहन के नहाते होंगे और फिर जा करके चेंज कर लेते होंगे लोग। मैं चल रहा था भाई, स्टीम रूम से बंदा पूरा नंगा बाहर आ गया। अच्छा हुआ मैं रिकॉर्ड नहीं कर रहा था उस टाइम पे, मैं तो सोचता था खाली एक गांव में ही होता, अब तो गांव में भी नहीं होता है इतना। अब मैं सोच रहा हूँ कि स्टीम रूम में बैठे हैं लोग, पूरे नंगे बैठे हुए हैं, कमाल है यार। अच्छी चीज ये है कि यहाँ पर यार एक एक वीक का ट्रायल हो जाता है, ये एक एक वीक करके मेरा अपना महीना निकल जाएगा, नहीं तो एटलीस्ट 20-25 वर्कआउट तो मैं कर लूंगा। किसी भी टाइम यहाँ पर लोग भागते हुए नजर आ जाते हैं। अभी आई थिंक 2 बज रहे हैं दोपहर के, मैं 11 बजे आया था तो भी लोग रनिंग कर रहे थे। ऐसा कुछ नहीं है कि आप फिक्स टाइम, मॉर्निंग इवनिंग जब लोगों को वक्त मिलता है वो अपना वर्कआउट कंप्लीट करते हैं। डिफरेंस ना शायद डेवलपिंग वर्सेस डेवलप्ड का भी है। इंडिया में सर्वाइवल की ही इतनी दिक्कत रहती है, फिटनेस जो है एक लग्जरी आइटम बन गया है, आप उसको अफोर्ड कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, आप डाइट अफोर्ड कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, वर्कआउट करने का टाइम अफोर्ड कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। लोग खाने के लिए रोटी जुटाने में ही लगे रहते हैं। ए यार अब तो गर्मी हो गई एकदम से, इतनी ठंड थी ना अभी थोड़ी देर पहले जब मैं आया था, मेरे को अब बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है। अभी मैं सोच रहा हूँ कि वर्कआउट तो खत्म हो गया है, थोड़ा सा टहल लेता हूँ इधर उधर। आप सोचते हो कि थोड़ा घूम भी लो, पर ऐसा फिक्स्ड प्लान बनाना मेरे लिए डिफिकल्ट हो जाता है। मैं आसपास के किसी सिटी में जाऊं, वहां ट्रेवल करूं और वहां देखूं, ये क्योंकि टाउन है नॉर्थशॉपिंग, दूसरी जगह पर जाने के लिए एक प्री प्लानिंग करनी पड़ती है, वो मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मैं तो मेनली थोड़ा बहुत बस थिएटर एक्सप्लोर करना चाहता हूँ यहाँ पर, बस उससे ज्यादा और कुछ नहीं। यहाँ सड़क पे थूकते हुए मुझे कई लोग दिख चुके हैं, जैसा मुझे बताया गया 80% लोग चीजें फॉलो करते हैं, 20% नहीं करते हैं। एक बंदे ने तो इतना जबरदस्त थूका, सिगरेट फूंकता हुआ आ रहा था और एकदम बीचों बीच रोड के। हेलो, ये देखो भाई यहाँ कितना गोरख धंधा चल रहा है। 500 ml आइसक्रीम बेच रहे हैं, यहाँ की करेंसी के हिसाब से 21.90, मतलब अराउंड 170 रुपए के आसपास। मूंगफली भी बिक रही है सेम प्राइस में, बिस्किट्स भी ऑलमोस्ट सेम प्राइस में, ईमान धर्म बेच खाया है इन लोगों ने। बिस्किट लेने हम तो मैं सोचूंगा कि आइसक्रीम ही खा लेते हैं, छोड़े यार उतने की तो पड़ रही है। इंडिया में स्टैंडर्ड होता है कि भाई बिस्कुट सस्ता, आइसक्रीम महंगी, मूंगफली सस्ती, ड्राई फ्रूट्स बादाम वगैरह महंगे, तो सेंस बनाता है। ग्रीन चिली सीड एनीवेयर एल्स? प्रोबब्ली एट इकेट फाउंटेन। ओके, इट्स अ बिगर पिज़्ज़ा। ये कौन डाल गए हैं इतना सारा? पहले नीचे का गेट खोला होगा, फिर
फिर ऊपर आए होंगे, पता नहीं नीचे का गेट कैसे खुला। और इनको क्या पता कि यहाँ कोई नया बंदा रहने आया जिसके काम की हो सकती हैं ये चीजें। बहुत सारी चीजें मिस्ट्री सी हैं यहाँ पे। अरे अभी मुझे भयंकर भूख लग रही है, तो पहले तो मैं ब्रेड्स खाता हूँ, कुछ पेट में जाएगा। उसके बाद मैं सोच रहा हूँ ऑमलेट बनाऊंगा। हरी मिर्च तो नहीं मिली, लाल मिर्च इतनी सूट नहीं करती है, मेरे गले में लगती हैं, पर ठीक है। अभी जो है वो है। यहाँ पर एक चीज अच्छी है, चीटियां वगैरह वो सब नाटक नहीं है। वुड है, खुला पड़ा है, ऐसे ही मैं इसी को यूज कर लेता हूँ और ऐसे ही रख देता हूँ। कोई चींटी वीटी वो सब नाटक नहीं है। अंडे से खाली व्हाइट निकालना, येलो ना निकालना, वो भारी काम है, स्पेशली जो रेगुलरली ना बनाता हूँ ऑमलेट। एक तो चला ही गया पूरा, फिसल गया यार वो, कोई नहीं, एक हाथ तो चलता है। अभी दिक्कत ये है यहाँ पर ना, ऑमलेट को फेंटने के लिए कुछ ऐसा ग्लास जैसा नहीं है, जो है हम उसी से काम चलाएंगे। इसके साथ अगर एक गरम गरम कॉफी और हो तो मजा आ जाए। बनाई डालते हैं, 2 मिनट लगेंगे। हाँ तो दोस्तों, तवा छोटा था, हरी मिर्चों का अभाव था, चाय पत्ती की कमी थी, लेकिन वो कहते हैं ना, जहाँ इंजीनियर वहाँ जुगाड़। हमें चॉमलेट खाना है तो हमें चॉमलेट खाना है। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि इतना अच्छा बन जाएगा, थोड़ा सा एडजस्टमेंट है चीज़ों के साथ, पर काफ़ी अच्छा बना है। यही देख लूँ यार ये क्या आया हुआ है, 10 ब्रेड, 20 फ्रेलर। अबे मेरे को नहीं पता क्या होता है भाई ये फ्रेलर तुम्हारा, नालायक लोग अंग्रेजी में दे, मैं इंटरेस्ट भी लेता। राम 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 राम, बताओ पंडित आदमी को यहाँ पे क्या, पता नहीं कौन सा मांस है ये, क्या सोच के मेरे दरवाजे के नीचे से डाला था, पंडित खुश होगा। मुझे ये तक नहीं पता ये कौन सा मीट है, गूगल लेंस ओपन करने का मेरा मन नहीं है। अरे हरी मिर्च दिख गई मेरे को, ओहो हो, लिखा भी तो स्वीडिश में है, पता नहीं क्या मतलब है इसका। पेपरिका आई पेस, ये तो पक्का शिमला मिर्च है, शिमला मिर्च के बगल में लिखा हुआ है। इस पर गिस्ट, पता नहीं क्या है, यहाँ के 15 बोले तो 120 के आसपास, 120 रुपए की क्या एक गोभी दोगे क्या? ये कहीं पे पर ST लिखा होता है, कहीं पर KG लिखा होता है, 37.50 की जगह पे 37.50 लिखा होता है। बेवकूफ लोग थे कहीं के, मैथ पता नहीं किसने पढ़ाया पूरे देश को। ये कोई टमाटर की प्रजाति है, नाम के बीच में भी टोमेटर आ रहा है एंड में, के ओ ये भाई, यहाँ पे चौ बोलते हैं इसको, चौरस बर्स टोमाटर। 2 डब्बे आएंगे 25 रुपए के, यहाँ के 25 मतलब के 200 रुपए के आसपास। 200 रुपए के महंगे नहीं है, गोभी भी महंगी है यार 120 की। देखो दोस्तों, अगर आपको ये लग रहा है कि ऐसे चमकीले से सामान आप मुझे दिखाओगे, कोक वगैरह और ये सब देख करके मैं यहाँ रहने का मन बना लूंगा, तो नहीं, ऐसा नहीं है। तुम्हारे पास थिएटर है नहीं अच्छा, अभी तक मुझे कुछ नहीं मिला, स्वीडिश सब जगह वही दिखा रहे हो, उसमें मुझे समझ में नहीं आता है कहाँ जाकर क्या देखूँ। हिंदी थिएटर होता तो हाँ मैं सोचता, यहाँ रह के क्या करूँगा, ये पर्चे पढ़ूंगा तुम्हारे नालायकों। यहाँ मुझे कोई चीज़ ऐसी नहीं मिली जो इंडिया से सस्ती हो, बल्कि महंगी ही मिल रही थी। मे भी कुछ ऐसी चीज़ें जो वहाँ ना मिलती हों, कोई स्पेसिफिक कपड़ा या कोई ब्रांड या फिर कुछ पसंद आ जाए, वो एक डिफरेंट बात है, वो मैंने एक्सप्लोर भी नहीं किया और मतलब करने का मन भी नहीं है, क्या कपड़े वपड़े क्या लेने यार।